वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा हम चैप्टर नंबर 5 रीड कर रहे थे, जियोग्राफी का मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के प्रमुख परिमंडल। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि 4 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के, कौन कौन से? फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकेंड इज एटमोस्फीयर, थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर। हम इसमें लिथोस्फीयर के बारे में बात कर चुके हैं कि जो बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक है, वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर हमने पूरे विश्व के 7 कंटिनेंट्स के बारे में जानकारी हासिल की, ठीक है। 7 कंटिनेंट्स जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में सभी वाटर बॉडीज शामिल हैं, वाटर बॉडीज हो गई या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो गया आपका, वाटर वेपर्स हो गए आपके, और हमने इसमें 5 ओशंस के बारे में पढ़ा। कल हमने बात की थी एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर क्या है। इट इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ, एक एयर की ऐसी पतली चादर जिसने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से कवर किया हुआ है। और 5 लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि अर्थ की सतह से शुरू होती है। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, जितना भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जितने भी मतलब घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, वेदर संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं सभी इसी लेयर में होती हैं। सेकंड इज स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड इज मेसोस्फीयर, फोर्थ इज थर्मोस्फीयर एंड 5 इज एक्सोस्फीयर, ठीक है। आज हम बात करते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। जीवमंडल या जैवमंडल, बायोस्फीयर क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर हमारे तीनों डोमेन्स मिलते हैं, मतलब बाकी तीनों, ये तो फोर्थ है, लाइक लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, एयर यानी कि आपका एटमोस्फीयर एंड वाटर यानी कि आपका हाइड्रोस्फीयर। इट इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, एयर एंड वाटर मेट टू ईच अदर, जहां पर वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं टू सपोर्ट लाइफ, जीवन को सपोर्ट करने के लिए। मतलब मानव जीवन वहीं पर संभव है जहां उसे लैंड भी मिले, उसे एयर भी मिले और उसे वाटर भी मिले। इसीलिए इन तीनों को मिलाकर ये बायोस्फीयर बनता है। इसका मतलब ही ये है जीव मंडल या जैव मंडल, यही वो मंडल है जहां पर मानव या फिर जीव रह सकते हैं। तो देखिए हम इसके बारे में रीड करते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर एक ऐसा संकरा, एक ऐसा नैरो जोन है जहां पर लैंड, एयर एंड वाटर तीनों आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट, यही वो जोन है क्योंकि इस जोन में लाइफ है, इसी के कारण हमारा जो प्लैनेट जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी प्रजातियां जीवाश्मों की पाई जाती हैं, दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स, जो कि छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर एक बैक्टीरिया, टू ह्यूज एनिमल से लेकर एक बड़े एनिमल तक हो सकती हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसमें मानव भी शामिल है, आर लिंक टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। इस बायोस्फीयर, इस जीव मंडल में सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए ये ह्यूमन बींग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर के, उन्हें ब्रॉडली हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वेज और द अदर। जो तीनों डोमेन्स हैं अर्थ के, मीन्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर एक दूसरे से और एक दूसरे को कई तरीकों से प्रभावित भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया उदाहरण के लिए, यदि हम पेड़ों को काटते हैं अपनी लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और या फिर क्लियरिंग लैंड या हम जमीन को साफ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए, मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप, जिसके कारण बहुत तेज गति से ढलानों से मिट्टी चली जाती है।
क्योंकि मिट्टी को बांध कर रखना पेड़ों का काम है। पेड़ों की जड़ों के कारण मिट्टी उस जगह में बंधी रहती है, और जब वहां से पेड़ ही हट जाएंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो मिट्टी वहां से रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक, और उसी तरीके से अर्थ की सरफेस पर चेंज होता है कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, जैसे कि भूकंप का आना। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, या उदाहरण के लिए धरती जो है सबमर्ज पानी में डूब सकती है, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जैसा अभी फिलहाल ही सुनामी के आने के कारण ऐसा हुआ। सुनामी क्या है? ऐसी बिग वेव्स जिसके कारण एक पोर्ट के आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। क्या हुआ रिसेंटली? पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर सबमर्ज अंडर द वॉटर, जिसके कारण सुनामी के कारण जो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो द्वीप समूह है उनका एक बहुत बड़ा भाग पानी में डूब गया। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू द लेक एंड रिवर मेक द वॉटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। जब हम डिस्चार्ज करते हैं द वेस्ट मटेरियल, जब हम वेस्ट मटेरियल को नदियों में या पानी में, झीलों में बहा देते हैं, तो उसके कारण जो पानी है वो अनसुटेबल हो जाता है मानव के यूज के लिए, मानव के यूज के लिए वो उपयोगी नहीं रहता। इट इज ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसके कारण दूसरे प्रकार की लाइफ को भी अफेक्ट होता है। जो जीव पानी में रहते हैं, पानी गंदा होगा तो उनकी भी लाइफ अफेक्ट होगी, जीव वहां पर मरने लगेंगे। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड द व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। फिर इंडस्ट्री से जो इमिशन, जो धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट लगाए जाते हैं या फिर जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है पोल्यूट द एयर, वो एयर को पोल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर, एयर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, लेकिन जब CO2 की मात्रा एटमोसफेयर में बढ़ जाती है, लीड टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, तो उसके कारण जो भूताप है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of natural between the domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. कह रहे इसलिए क्या है, there need to limit use of resources, हम इन resources का, इन संसाधनों का limit में, सीमित मात्रा में हम इनका प्रयोग करें पृथ्वी पर, ताकि और इनके संतुलन को पृथ्वी पर बनाए रखें। किस किस के संतुलन को? जो domains हैं, lithosphere यानी कि स्थल मंडल, atmosphere यानी कि वायुमंडल, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। यदि इनका बैलेंस अगर हमने थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है, तो उसके कारण मानव जीवन, प्लांट जीवन, सब कुछ अफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाया हुआ है बायोस्फीयर का। देखिए ये एक ऐसा मंडल है जहां पर हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों मिल रहे हैं, और आप देख रहे हैं यहीं पर ही जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव की बस्तियां, सब कुछ इसी मंडल में बना है, क्योंकि मानव को जीवन जीने के लिए लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, मतलब इन तीनों की ही जरूरत है। लैंड भी चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, और मानव दिन प्रतिदिन इनमें चेंज कर रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए या फिर न्यू सेटलमेंट्स बनाने के लिए इन जंगलों को काट रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं हमारी क्लाइमेट भी चेंज हो रही है। रेन पर काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो ट्रीज हैं उसके कारण क्या है, ट्रीज जो है वो रेन लाने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और ट्रीज होते हैं तो जो मिट्टी है वो भी वहीं पर रहती है, लेकिन जब पेड़ों की जड़ें ही नहीं होंगी तो मिट्टी वहां से रिमूव हो जाती है, हवा या पानी के कारण उस जगह से बह जाती है, जिसके कारण मानव जीवन बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, कल हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओके।